भाई जरा कैमरा पीछे दो, फोटो कैमरा भाई अपन पीछे आ जाएंगे, रिपन नहीं आता आ रहा है, पीछे आ जाएंगे भाई। भाई थोड़ा पीछे लाइए ना, थोड़ा। अरे भाई साहब खुशखबरी है कि आज इस साल का एप्लीकेशन फॉर्म 2021 का आज से आगाज हुआ है। जो पहला एप्लीकेशन फॉर्म है जनाब मंत्री साहब के हाथ से जो आज एप्लीकेंट्स के लिए दिया गया है, इस साल तकरीबन चीज़ों में आप देख सकते हैं, खासकर कोटे में भी जो 5000 का जो था उसको आधा कर दिया जाएगा, और जो दिन जो 45 डेज रहते थे उसको भी जो 30 से 35 दिन का दिया गया है, और ख़ासकर एज में आप एबो 18 इयर्स के आदमी ही जा सकते हैं, बिलो 65 इयर्स एंड एबो 18 इयर्स का आदमी हज के लिए अप्लीकेबल है। और आज तेलंगाना स्टेट हज कमेटी की जानिब से, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं है एप्लीकेशन, उनके रिश्तेदार इवन अगर उनके फर्जन भी है या बेटे है, कोई फैमिली मेम्बर्स भी है, तो उनका एप्लीकेशन फॉर्म नहीं लिया जाएगा। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, ये दिसंबर 10 तारीख तक अभी टाइम है, आप लोग अपने अपने बैंक अकाउंट खुलाई कर उसके अंदर आप आकर अप्लाई करिए। और हर साल जो 5 आदमी रहते थे कवर में, ये साल सिर्फ 3 आदमी का कवर दिया गया है। आईटी रिटर्न्स का भी एक इस मरतबा कुछ आईटी रिटर्न्स का अभी हमारे तक कोई कंक्लूजन अभी फाइनल नहीं हुए, नॉर्मल में हाइता दिया गया है, पैन नंबर उनका जरूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो प्रोग्राम है आज ऑनलाइन किया गया है, हाजी हजरात जो हज को जाने वाले हैं 2020 में जो एप्लीकेशन दे रहे हैं, और ख़ासतौर से इस प्रोग्राम में हमारे चेयरमैन साहब यकीनन हमेशा हाजियों की खिदमत करते आ रहे हैं, और हाजियों की खिदमत करना हमारे लिए बहुत अफजल है, उदय तो बहुत मिलते हैं, पर हज कमेटी के चेयरमैन बनना उसी को नसीब होता है जिसको अल्लाह ताला की खिदमत करने का मौका मिला। हमारे मेराज हुसैन साहब जो मुकामी हमारे नामपाली के MLA साहब हैं, हमारे सलीम साहब जो बागोट के चेयरमैन हैं, हमारे आरिफ साहब जो मेंबर हैं और दिगर मेंबर हैं,
जबीउल्लाह साहब जो खास तौर से हज कमेटी के इंतजाम देख रहे हैं, वही सेक्रेटरी है यहाँ पर, और रेजिडेंसी स्कूल भी देखते हैं, और वॉकआउट के चेयरमैन सी ओ साहब और मेरे तमाम मीडिया के भाइयों, यकीनन तेलंगाना स्टेट में हमेशा की तरह बहुत अच्छे इंतजाम किए जाते हैं। जितने लोग सटल से आते हैं वो जब मुझसे मिलते हैं तो कहते हैं कि सबसे अच्छा इंडिया में इंतजाम किया जाता है तो हैदराबाद में इंतजाम, और दो दिन पहले मसीउल्लाह साहब भी आए थे तो मैं खुद भी हमारे सेंट्रल मिनिस्टर साहब से बात किया था और उनसे कहा था कि इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हमें सहूलत चाहिए, और हम पिछले साल जो लोग नहीं जा सके जो पैसे भरने के बाद, अगर उनको मौका दिया भी जाए तो बेहतर है, पर उन्होंने कहा कि इस मरतबा हाजियों की तादाद काफ़ी कम है पिछले साल की बनस्बत, अगर हम उनकी अप्लीकेशन लेंगे तो कुछ लोग नहीं जाएंगे तो शायद नाराज़ हो जाएंगे, इसलिए पिछले जो लोग अप्लीकेशन लेंगे वो लोग भी जो साकरा नहीं है वो भी अप्लीकेशन दे सकते हैं, उनमें जिसका भी ड्रा होगा उनके किस्मत से होगा। और इस मरतबा हज को जाने वालों के लिए रकम का तो अभी तय नहीं हुआ है, मगर जो उनका पीरियड है वो 35 डेज उनका भी रखा गया है, और जो अमाउंट के बारे में भी अभी कोई खुलासा नहीं आया है, मगर हुकूमत तेलंगाना यही चाहती है कि हाजियों को ज़्यादा से ज़्यादा रियायत हो सके कम से कम पैसों में। और इस मरतबा हमेशा इससे पहले 5 मेंबर का एक लिफाफा लिया जाता था, इस मरतबा वो 3 मेंबर कर दिए, और एज की भी लिमिट लगाई, जो लोग 18 साल से कम उम्र है और 65 साल से ज़्यादा है उनका अप्लीकेशन नहीं दिया जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। अक्सर ऐसा होता है हमारे पास कि जो नौजवान रहते हैं उनके साथ बड़े बुजुर्ग भी जाते हैं, और मुझे दुख भी है इस बात का, अफसोस भी है कि हमारे जो बुजुर्ग है जिसकी सबसे ज़्यादा ख्वाहिश होती है 65 साल के बाद, तो हमारे जितने हाजी जाते हैं हम हमेशा उत्सव करते हैं और रिसीव करते हैं, तो देखते हैं ज़्यादातर 65, 70, 78, 80 साल तक भी लोग रहते हैं, मगर इसी मरतबा 65 साल से ज़्यादा लोगों को वहाँ की गवर्नमेंट इजाज़त नहीं दे रही, इसलिए 65 साल से जो उम्र कम है और 18 से ज़्यादा वही लोग अप्लीकेशन दे सकते हैं, और आंध्रा और तेलंगाना मिलाकर इम्बार्केशन पॉइंट यहीं रखा गया, इम्बार्केशन पॉइंट, और हमारे यहाँ से लोग जाएंगे एयरपोर्ट से, उन्होंने यही कहा कि हम हैदराबाद का खास ख्याल रखते हैं, हमारे मुख्तार अब्बास वकफी साहब ने, हमारे जो मिनिस्टर साहब ने कहा कि हम हैदराबाद का बहुत इज्जत करते हैं, क्योंकि हैदराबाद में जितने अच्छे इंतजाम होते हैं, क्योंकि चेयरमैन साहब भी आए थे मेरे पास, जब भी बोला हमारे चेयरमैन साहब है जितना हो सके हमारे राज्यों को जो वहाँ पर अकोमोडेशन का है, अभी शायद ग्रुप वाइज तो नहीं ले रहे, एक ही जगह का अजीज जगह ही ले रहे हैं अभी, चूँकि वहाँ पर भी कोरोना का काफ़ी खौफ है, और अभी लोगों में भी ये बात आ रही है कोई सेकेंड फेज कहता है, कोई आगे थर्ड फेज कहता है, तो जितना हो सके हमारे भाइयों बहनों से गुजारिश है एहतियात करना ज़रूरी है, यहाँ पर जितना कोरोना का जितना डर था, कोरोना तो ज़रूर रहा पर उतना इफेक्ट नहीं हुआ, पर काफ़ी हमारे भाई बहन इसमें कोरोना में शहीद हो गया, हमें बहुत दुख है, मगर फिर भी हम कोरोना से जितना हो सके एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। मैं तमाम भाइयों से खासतौर से मैं मुस्लिम भाइयों से कहता हूँ, ये जो भी मास्क लगा रहे हैं बहुत कम तादाद में लगा रहे हैं, दावतों में देख रहा हूँ मैं, एक आदमी कल मैं एक दावत में गया था तो 9 शाह एक लगाए हुए थे और उसके बाद दूसरा मैं लगा हुआ था, बाकी पूरे कोई इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, तो खासतौर से प्रोटेक्शन मैं फ़ोन पे बोल दिया था जब रुका दिए पहला 9 शाह को ज़रूर लगाइए, तो मैं हारों बल्कि 9 शाह को लगा देते, मैं बोला एहतियात करना था, इसलिए हाजी भाइयों से भी मेरी गुजारिश है कि आपकी सेहत अच्छी रखिए, ताकि जाने से पहले जो भी वैक्सीन ले लीजिए, और हो सकता है और भी टेस्ट ज़रूरत रहे तो क्या सऊदी अरब की जो इंस्ट्रक्शन आएंगे उसको फॉलो करेंगे, और जो जो हजरात इंशाल्लाह अप्लीकेशन दे रहे हैं दीजिए, जिसका भी नाम सेलेक्ट होगा उनको दिल की गहराई से मुबारक। मेरा सवाल सिक्योरिटी साहब से है कि पिछले 100% वापस, बहुत वापस करोगे भी उनका किसी से, सब किसी को भी अभी ड्यू नहीं है, कुछ टेक्निकल चीज़ हो, मैंने सबको 100% वापस एप्लीकेशन में रिटर्न की तो जरूरत है पड़ेगी, इनकम टैक्स रिटर्न डालने वाला आज भी ज्यादा, तो ये हम भी नुमाइंदे करेंगे।